नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। पत्रकार संगठन जेएमसी का मिथिलांचल में हुआ विस्तार, मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष आशु राजा। दरभंगा कार्यालय पत्रकार संगठन जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल दरभंगा जोन के द्वारा मिथिलांचल में संगठन के विस्तार के लिए लहरिया सराय परिसदन में एक बैठक आहूत की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि जेएमसी के प्रदेश अध्यक्ष आशु राजा उपस्थित हुए। बैठक में सबसे पहले दरभंगा के जिला अध्यक्ष लाल बाबू बीरू द्वारा प्रदेश अध्यक्ष आशु राजा का मिथिला की परंपरा अनुसार पाग चादर भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आशु राजा ने मिथिलांचल समेत पूरे प्रदेश में पत्रकारों की समस्याओं को लेकर गंभीर चिंतन करते हुए कहा कि जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल का यही उद्देश्य है कि पत्रकारों को के जान माल की सुरक्षा को किसी भी सूरत में सुनिश्चित कराया जाए, ताकि पत्रकार निर्भीक होकर जनता के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सके। वहीं बैठक के दौरान संगठन को मिथिलांचल में विस्तार देते हुए नए पदाधिकारियों को पद पर नियुक्ति भी दिया गया, जिनमें देवेंद्र कुमार ठाकुर को दरभंगा प्रमंडलीय अध्यक्ष, सुभाष कुमार शर्मा को प्रदेश महासचिव, इम्तियाज अहमद को प्रदेश उपाध्यक्ष सह दरभंगा जिला महासचिव, लाल बाबू बीरू को दरभंगा जिला अध्यक्ष, मोहम्मद कलाम गुड्डू राज को दरभंगा जिला कोषाध्यक्ष, नवीन कुमार और बैजनाथ झा बैजू को दरभंगा जिला उपाध्यक्ष, प्रशांत कुमार को दरभंगा जिला संरक्षण के पद के लिए संस्था द्वारा निर्गत पत्र प्रदेश अध्यक्ष आशु राजा द्वारा दिया गया। इस मौके पर दरभंगा सर्किट हाउस में संस्था से जुड़े अन्य दर्जनों पत्रकार उपस्थित रहे। सुभाष कुमार शर्मा जो कि जेएमसी के प्रदेश महासचिव हैं से बात की। समय समय पे जो व्यवहार होता रहता है, जगह जगह प्रताड़ित किया जाता है। संस्थाएं तो काफ़ी हैं देश में, लेकिन हमारी संस्था जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल जमीनी स्तर पर पत्रकारों के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करती है। जहाँ तक हो सके पत्रकारों के हित में लड़ाई लड़ी जाए, उसी संदर्भ में देश के गौरवान्वित जगह मिथिलांचल की धरती पर दरभंगा पुलिस स्टडी के टीम के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जेएमसी के पदाधिकारियों ने मिलकर जेएमसी का विस्तार किया है और आगे की रणनीति तैयार की है। यहाँ सर्किट हाउस में जी पत्रकारों के हक हकूक के लिए लड़ाई लड़ने वाली संस्था है जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हमेशा से पत्रकारों के किसी भी दमन की आवाज़ उठाती आई है, पत्रकारों को हुए अन्याय की, पत्रकारों के हक की आवाज़, आम आवाम की हक की आवाज़ ये संस्था उठाती आई है। उसी में हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे एम आशु राजा, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पे हमारी एक मीटिंग हुई कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए और किस कारगर तरीके से, जैसे कोरोना वायरस में जो अभी महामारी है उसमें खासकर पत्रकारों को जो लड़ रहे हैं, सरकार ने सबको योजनाएं दे दी है लेकिन पत्रकारों को अभी तक कुछ भी नहीं दिया है, जबकि आपको पता ही है पत्रकारों को क्या मानदेय मिलता है, पत्रकारों की क्या माली स्थिति है। उस स्थिति में सरकार को देखना चाहिए। बहुत सी समस्याएं, जैसे प्रेस क्लब है, वो हमारे यहाँ प्रेस क्लब नहीं है, कई संस्थाएँ हैं लेकिन कहीं एक प्लेटफॉर्म पर पत्रकारों को लाने की एक जगह नहीं। और एक बिहार में क्या पता क्या लगता है, बिहार सरकार उदासीन है पत्रकारों के प्रति, उनके हक के प्रति। जो पत्रकार है जो जिला में काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि मान्यता प्राप्त पत्रकार ही बड़े ही पत्रकार होंगे जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी संस्था से नहीं जुड़े हुए, उनकी अपनी संस्थाएं भी हैं, लेकिन उनको कह दीजिए पत्रकार नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, वो भी पत्रकार हैं जी। उनको भी एक हक और एक उनके भी एक प्लेटफॉर्म और उनको न्याय मिलना चाहिए, जो कि फील्ड में वो भी काम कर रहे हैं जी। हम वैसे भी लोगों को देखते हैं, लोगों को जो पत्रकार नहीं है और प्रेस लगा के गाड़ियाँ और सब कुछ सारा फायदा लेते हैं जी। वैसे लोगों को भी हमने देखा डीपीआरओ में जी। वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन रहता है और जो जमीनी फील्ड में काम करने वाले हैं उनके साथ देखें भेदभाव का भी व्यवहार होता है। इन सब बातों को लेते हुए हम लोगों ने बहुत चीज़ों की चर्चा हुई और बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे बिहार का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और हम लोग का प्रयास है कि जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको और भी सुदृढ़ और मजबूत बनाए, जिससे पत्रकारों के अपनी शक्ति और भी मजबूत हो जी। सर आपका, मेरा नाम सुभाष शर्मा हुआ, मैं जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया में जनरल सेक्रेटरी बिहार का हूँ।